schizophrenia, one of the most disabling and emotionally devastating illness. बहुत ज़्यादा ये emotionally devastating illness है. Severest mental disorder है. इस disorder में क्या होता है? Individual's thinking, emotions, feelings और behavior जो हैं, they are badly affected. Thinking becomes confused. His speech becomes incoherent. Person की speech जो है वो incoherent हो जाती है. Disorganized होती है. Perception जो है वो unrealistic होती है. Attention shattered रहेगी. Hollow और inappropriate feelings रहती हैं. जितने भी disorders हैं उनमें सबसे ज़्यादा severest disorder जो है वो schizophrenia है. ये men और women दोनों को equally ही affect करता है. Mostly ये late adolescence में पाया जाएगा. Late adolescence में hit करता है किसी person को. कुछ childhood, early childhood में भी ये strike कर सकता है, लेकिन फिर वो उसकी recovery के chances हैं. लेकिन ये adolescence, late adolescence में भी severely hit करता है. Females में ये relatively कम ही नज़र आता है, लेकिन men में बहुत ज़्यादा जो है ये इस disorder को आप देख सकते हो. Mood disorder जो है, major depressive disorder, वो females में ज़्यादा होता है. Schizophrenia जो है ये males में ज़्यादा होता है. तो इसकी history क्या है? Schizophrenia was actually first identified in 1887, but can be traced back to thousands of years ago. इसको पहले जो है किसी और नाम से जाना जाता था. इसको dementia कहते थे और precox भी कहते थे. PRECOX, precox, dementia. लेकिन बाद में ये अनसुटेबल टर्म थी और 1908 में जो था उसको स्किज़ोफ्रेनिया की टर्म को इंट्रोड्यूस करा दिया 1908 में. स्किज़ोफ्रेनिया वाज क्वाइंड इन 1911 बाय द स्विस साइकेट्रिक यूगेन ब्लोरर. द वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स. टू ग्रीक वर्ड्स हैं, शाइजेन मीन्स स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड. स्प्लिट माइंड्स, फ्रेनिया मीन्स माइंड और शिजो मीन्स स्प्लिट. शिजो का मतलब है स्प्लिट और फ्रेनिया मीन्स माइंड, यानी स्प्लिट माइंड टू डिस्क्राइब द फ्रेगमेंटेड थिंकिंग ऑफ पीपल विद द डिसऑर्डर. स्प्लिट माइंड होता है, इट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ माइंड और द फीलिंग ऑफ माइंड टू पीसीज. पीसीज में माइंड जो है वो डिवाइड हो गया है और बिहेवियर, थिंकिंग और स्पीच, इमोशंस, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं, जो एक जिसका कॉम्बिनेशन जो है वो एक बिहेवियर बना रहा है, वो सारे के सारे डिस्टॉर्ट हो गए, स्कैटर हो जाते हैं. सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली बिगिन बिटवीन 15 टू 25 इयर्स ओल्ड फॉर मेल्स. विद फीमेल्स डेवलप इट लेटर अराउंड एज 30. इट इज रेयर फॉर अ पर्सन टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज एंड आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज. लेट एडोलेसेंस में ये होगा, इसके बाद ये नहीं होता. 40 इयर्स के बाद ये नहीं हो सकता. स्किज़ोफ्रेनिया अकर्स इन ऑल सोसाइटीज रिगार्डलेस ऑफ क्लास, कलर, रिलीजन, कल्चर. ये बहुत कॉमन होता है लेट एडोलेसेंस में. उसमें होता क्या कि जो रियलिटी है उससे एक पर्सन कट ऑफ हो जाता है और डिलीजेंस और हेलुसिनेशंस के वर्ल्ड में एक पर्सन जो है वो रहना शुरू कर देता है. डिलीजेंस मीन्स फॉल्स बिलीव्स. वो फॉल्स बिलीव करना शुरू कर देता है चीज़ों पे और हेलुसिनेशन का शिकार रहता है. सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं होती लेकिन उसको सेंसेशन होती है, उसको हम डिलीजेंस कहते हैं. व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया इज डिफाइंड एज फंक्शनल साइकोटिक कंडीशन. डिसफंक्शनल साइकोटिक कंडीशन characterized by disturbances in thinking, emotion, volition and perception in presence of clear consciousness, which usually leads to social withdrawal. Psychological disorder hai, it is classified separately from other disorders because it is not easily categorized as an anxiety or mood disorder. Anxiety or mood disorder se nahi hai koi bhi link, lekin schizophrenia ke sath mood disorder bhi exist kar sakte hain, coexist karte hain anxiety or mood disorder. Schizophrenia is characterized by inability to separate reality from and a non-reality. Reality और non-reality में actually withdrawal कर लेते हैं reality से, हकीकत में नहीं रहते, unrealistic बातें करते हैं और unrealistic उनका delusions जो हैं वो भी unrealistic होते हैं. Schizophrenic patients
often experience non-existent stimuli, ठीक है, hallucinations हैं उनमें, non-existent stimuli जो हैं उनको भी वो experience कर रहे होते हैं, that create perceptions of things that do not exist, such as voices, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, तस्वीरें दिखाई देती हैं, या कोई person जो है वो exist कर रहा होता है, जो actually exist नहीं कर रहा, लेकिन उस इंसान को वो नजर आना शुरू हो जाता है कि एक पर्सन है जो कि यहाँ पे है और वो मुझसे बातें कर रहा है, इस तरह से होना शुरू हो जाता है. तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है. सिम्टम्स में इंक्लूड फ्लैट इफेक्ट, इसमें साथ साथ में जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, फ्लैट इफेक्ट है, एग्जिबिटिंग नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं होता, इमोशन लेस फेस के साथ जो है वो बातें करेंगे. डिल्यूजंस मीन्स फॉल्स बिलीव्स, फॉल्स बिलीव्स, बिलीफ सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, फॉल्स बिलीव्स करते हैं, डाउट करते रहते हैं, अपने पार्टनर पे डाउट करेंगे, या अपने जो भी उनके घर वाले हैं उन पे उनके हम हर वक्त शक रहेगा. बहुत से डिलीवियंस हो सकते हैं, फॉल्स बिलीव या फॉल्स थॉट्स हैं ये. उन डिल्यूजंस के साथ जो है वो एडहेयर करते हैं स्ट्रिक्टली, जो है उस फॉल्स बिलीफ के साथ स्ट्रिक्टली एडहेयर कर जाते हैं, और जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करते. हमेशा उनके एरोजिनस बिलीव्स हैं, एरर्स होता है बिलीफ सिस्टम में, और इंसिस्ट करते हैं और प्रिपेयर नहीं होते, किसी भी कीमत पर वो तैयार नहीं होते कि अपने उस बिलीफ को रिजेक्ट कर सकें. जनरली थ्री टाइप्स होती हैं डिल्यूजंस की, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, एंड डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस. डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन में उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है, एक्सटर्नल पावर जो है वो कंट्रोल कर रही है उनको, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है उनको ऐसा लग रहा होता है कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम एक्सटर्नल पावर. और सेकंड है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस मीन्स सुपीरियरिटी, एक पर्सन जो है वो खुद को सुपीरियर फील कर रहा होता है कि वो कोई किंग है या प्रॉफिट है या सेंट है या कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी हो सकती है. समटाइम्स ही थिंक्स दैट ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट और एंजल, या फिर कोई ऐसे ही इसी कैलिबर का कोई भी पर्सन वो जो है वो उसको फील कर सकता है कि मैं ये हूँ. वो बिलीव करता है कि वो ऐसा सोचता है कि वो एक सुपीरियर पर्सन है बाकी लोगों से. तो ये भी एक टाइप ऑफ डिल्यूजन है. इसके साथ साथ डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस है, यानी रिलेशनशिप विद पीपल जो है वो कॉन्स्पायरिंग हो जाता है उनमें. वो सोचते हैं कि लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या उनकी जो बातें हैं, उनके जो कन्वर्सेशन है वो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके साथ कोई इनविजिबल गैजेट्स हैं, या कोई साइंटिफिक मेथड किसी ने प्लॉट किया है उनके अगेंस्ट, और उनकी तमाम बातें और उनकी जो थॉट्स हैं वो कोई और सुन रहा है, समझ रहा है. तो ये डिल्यूजंस हैं, फॉल्स बिलीफ, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये फॉल्स बिलीव्स होते हैं उनके, और उन पे वो एडहेयर करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, स्ट्रिक्टली उन पे वो कायम रहते हैं, और वो मानते नहीं हैं. आप जितना भी उनको फैक्ट्स बताओ वो उस पे यकीन नहीं करते. Hallucinations जो है, hallucination means false perception, wrong perceive करता है एक person, in the absence of stimulus, एक person जो है वो चीजों को experience कर रहा होता है. इसके साथ disorganized thinking है. Causes कोई नहीं, कोई आप इसमें कह सकते हैं कि genetic cause जो है वो सबसे ज्यादा main role play करता है. एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं. जेनेटिक्स सबसे पहले है, इनहेरिटेड होता है ये. आइडेंटिकल ट्विन्स में भी ज्यादा है, और पेरेंट्स अगर जो फैमिली है, फैमिली में अगर ये है तो फैमिली टू फैमिली ये रन भी करता है. इट अकर्स इन 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, बट इज सीन इन 10% ऑफ पीपल विद अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर विद स्किज़ोफ्रेनिया. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से जो है ये 10% उस फैमिली में जो है वो ज्यादा पाया जाएगा. वुमेन इन्फेक्टेड विद इन्फ्लुएंजा वायरस ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी आर मोर लाइकली टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन हु विल डेवलप द डिसऑर्डर. ठीक है, ये भी रिसर्च है. स्किज़ोफ्रेनिक्स ब्रेन आल्सो कंटेन लार्जर
फ्लूइड फिल्ड एरियाज देन देयर हेल्दी ब्रेन काउंटर पार्ट्स. हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, फोर चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स में जो स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं उनके चैम्बर्स में लार्जर फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उनमें ज्यादा होता है. ये भी एक हाइपोथेसिस है या फैक्टर है. इसके साथ साथ न्यूरॉन्स की जो है न्यूरोकेमिकल, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरोकेमिकल्स दैट ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन. इसके अलावा ब्रेन में डिफरेंस होता है, फिजिकल डिफरेंसेस इन ब्रेन. देर आर ऑल्सो डिफरेंसेज इन द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. MRI स्टडीज जो है सिग्निफिकेंट चेंज इन ब्रेन फंक्शनिंग. ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनमें. स्किज़ोफ्रेनिक्स का नॉर्मल पर्सन के ब्रेन से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. जेनेटिक मार्कर्स दैट कैन इंक्रीज पर्सन रिस्क फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, मोस्टली जेनेटिक ही कॉज इसका नजर आता है. Affects 1% of general population, 8% of siblings, 12% in offsprings. अगर family में parents में है तो भी बच्चों में 12% इसका जो है rate affection rate ज़्यादा हो सकता है, affected होंगे वो. 40% in offsprings of two affected parents. अगर दोनों parents में है तो भी 40% rate higher हो जाता है. अगर parents में है schizophrenia तो भी बच्चों में, दोनों parents में है तो बच्चों में 40% उसका risk बढ़ जाता है. 47% in subjects of affected monozygotic twins or twins में भी 47% जो है वो risk बढ़ जाता है. जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बायोकेमिकल अबनॉर्मैलिटीज हैं, अबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर है और वायरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. वायरल इन्फेक्शन अगर मदर में है तो फिर बच्चे में जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. साइकोलॉजिकल व्यूज में साइकोडायनेमिक व्यू है, कॉग्निटिव व्यूज है, सोशल कल्चर में सोशल लेबलिंग है. एक पर्सन को अगर आप कॉन्टिन्यूसली सोशल लेबलिंग करते रहोगे तो भी उसमें कॉग्निशन डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है. फैमिली डिसफंक्शनिंग है कि फैमिली में वार्म इन्वायरमेंट नहीं है, फैमिली डिसफंक्शनल है तो तब भी जो है वो उसके हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं. मेजर डिवियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेजर डिवियंस सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स, तो पॉजिटिव सिम्टम्स कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल एक्सेस बिकॉज द सिम्टम्स इन दिस ग्रुप ऐड टू पर्सन्स बिहेवियर रादर देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पर्सन्स बिहेवियर. पॉजिटिव का मतलब है एडिशन. तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि एक पर्सन के बिहेवियर में ऐड होते हैं, एडिशन होती है बिहेवियर में, वो सिग्निफिकेंटली विजिबल हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं. Negative symptoms inhibit a person's behavior significantly and include poverty of speech, alogia, loss of speech. एक person जो है वो बात करना छोड़ देता है, इसको alogia बोलते हैं. Blunt or flat affect characterized by blunted emotional responses or no emotional responses. इसमें negative कर रहे हैं आप चीज़ों को. Speech नहीं है, expressions नहीं है, flat affect है, loss of volition है, evolution and social withdrawal. Social society से वो withdraw हो जाएगा, loneliness का शिकार हो जाएगा. तो ये negative symptoms हैं. लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें आ जाता है, लॉस ऑफ प्लेयर, लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, लॉस ऑफ रिलेशनशिप. ये तमाम जो है ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं. और पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस, डिल्यूजंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच. पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्लूड हेलुसिनेशंस, डिल्यूजंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, व्हाइल नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, loss of speech, loss of plier in everyday activities, loss of facial expressions, emotional expressions नहीं है, loss of relationship. क्योंकि इनमें social skills नहीं होते तो इस वजह से वो अपने partners को या उनके जो social relationships हैं, friends, family, siblings, उनको वो उस interest के साथ company नहीं दे पाते. तो बहुत कम दोस्त होते हैं या बिल्कुल भी इनके दोस्त नहीं होते. Psychomotor symptoms में awkward movements हैं, repeated gestures और even catatonia, loss of movement भी हो सकती है, rigid body postures हो सकते हैं. Five types of schizophrenia बहुत important है ये भी. Positive symptoms, negative symptoms and types. ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा important है, इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है. There are five types of schizophrenia and catatonia. First is catatonia. Catatonia is motor disorder or movement disorder. Little to no movement, possibly a vegetative state. इसमें इसको motor disorder कहेंगे. इसमें the patient continues pointing at one thing again and again. एक ही movement बार बार करता रहेगा.
He begins to twitch his hands, arms or fingers in a peculiar way. किसी particular way में वो बार बार अपने hands को move करता है, बाजू को move करता है, fingers को point करता है. Sometimes it appears meaningful. कभी meaningful हो सकता है, लेकिन mostly जो है ये meaningless होता है. और indecent way में जो है वो expressions, gestures देता है. Sometimes he starts moving and sometimes becomes still. बहुत move करता है या फिर बिल्कुल ही move नहीं करता. मोटर डिसऑर्डर है. एक्सेसिव मूवमेंट भी हो सकती है और नो मूवमेंट भी हो सकती है. सम पेशेंट्स जंप एंड बाउंस, स्विंग देयर लेग्स इन अ स्ट्रेंजर वे, समटाइम्स दे शाउट्स एंड क्राइज. तो ये चीजें जो है ये सिम्टम्स कैटाटोनी में आएंगे, मोटर डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर, या फिर बहुत एक्सेसिव मूवमेंट है या फिर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है. इसके ऑपोजिट पोल क्या होगा, पेशेंट बिकम स्टॉक स्टिल लाइक दे वर अ स्टोन. इतने ज्यादा वो रिजिड हो जाते हैं, उनके जॉइंट्स स्वेल हो जाएंगे लेकिन वो अपनी पोस्चर को चेंज नहीं करेंगे. दे कीप स्टैंडिंग और समटाइम्स इन पेनफुल पोज, रिजिड रहते हैं उसी स्टेज, उसी पोस्चर में. They stand absolutely still, sometimes with arms stretched, sometimes with one foot raised, sometimes with their head bent forward or backward. बहुत weird condition में जो है वो rigid होके बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं, या उनकी body की posture कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप normally नहीं कर सकते, inappropriate होता है. तो ऐसी condition को देख कर कोई भी person ये कह सकता है कि इनमें कोई evil spirits ने invade कर लिया है, कोई जिन भूत का साया हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये schizophrenia है. उसके बाद next है disorganized form, disorganized type है. इसमें disorganized activity है एक person की. इसमें एक पर्सन की जो पर्सनल रूटीन है वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है. कॉमन आर्किटाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, फ्लैट इफेक्ट, इनअप्रोप्रिएट इमोशंस और बिहेवियर. इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं. इंडिविजुअल कीप्स लॉफिंग फुलिशली एंड विदाउट एनी रीजन. नेक्स्ट इज पैरानॉइड टाइप. पैरानॉइड टाइप सीवियर टाइप है और इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, यानी डिलूजंस, हेलुसिनेशंस जो है वो ज्यादा होते हैं. फॉल्स बिलीफ्स इसमें ज्यादा हैं. डिलूजंस एंड हेलुसिनेशंस मैनिफेस्ट देमसेल्व्स. इसमें डिटेरियोरेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, बिहेवियर में नजर आ रहा है, इरेशनल थॉट्स हैं, डिलूजंस हैं और हेलुसिनेशंस. सोशल रिलेशनशिप्स भी डिलूजंस की वजह से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं. कॉमन आर्किटाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, डिलूजंस, हेलुसिनेशंस, फॉल्स बिलीफ्स ऑफ ग्रैंडियर, ग्रैंडियोसिटी के जो फॉल्स बिलीफ्स हैं वो ज्यादा होते हैं. इसमें अपने आप को कुछ बहुत सुपीरियर पर्सन समझना शुरू कर देते हैं. रेजिडुअल टाइप है. रेजिडुअल टाइप, फोर्थ टाइप इज रेजिडुअल टाइप. ये रिकवरी के बाद मोस्टली जो है वो रेजिडुअल टाइप पाई जाती है. लॉन्ग टर्म स्किज़ोफ्रेनिया आवर मोस्ट कॉमन हैव डिसअपीयर्ड. नेगेटिव सिम्टम्स, डिट्रैक्शंस फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, ऑफन इवन सच एज फ्लैट फैक्ट और आर रिफ्यूजल टू टॉक. खामोश रहते हैं, बात नहीं करते. कुछ सिम्टम्स जो है वो परसिस्ट करते हैं पेशेंट में, लेकिन ये रेजिडुअल टाइप है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है जब वो रिकवर हो जाते हैं तब वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद जो है वो इनमें सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं. और लास्ट इज अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप. अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप डज नॉट फिट इन वन ऑफ द अबव कैटेगरीज. अगर इन चारों कैटेगरीज में एक पर्सन के सिम्टम्स फिट नहीं आ रहे लेकिन उसमें डिल्यूजंस हैं, हेलुसिनेशंस भी हैं, फ्लैट इफेक्ट भी है, मल्टीपल सिम्टम्स नजर आते हैं, तो उसको हम अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप के ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं. इट इंक्लूड्स हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, इनकोहेरेंट बिहेवियर. इनको हम किसी पर्टिकुलर टाइप में जब नहीं असाइन कर पाते तो फिर हम उसको अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप में डायग्नोज कर देते हैं. ये एक डिस्टिंक्ट टाइप है जिसमें सारे के सारे सिम्टम्स मौजूद हैं. डिलूजंस में फॉल्स बिलीफ्स हैं. स्किज़ोफ्रेनिक डिलूजंस इंक्लूड बीइंग चीटेड, बीइंग हैरेस्ड, बीइंग पॉइजन्ड, बीइंग स्पाइड, आपको लगता है कि कोई आपके की जासूसी कर रहा है, बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट. मोस्ट डिलूजंस आर वेरी ग्रैंडियोस एंड इन्वॉल्व द पेशेंट एट द सेंटर ऑफ सम लार्ज प्लॉट और स्कीम. हमने कर लिया है डिलूजंस. हेलुसिनेशंस इज
non-existent stimulus that is perceived as real. The most common schizophrenic hallucination is hearing voices. However, the patient may also have visual hallucination where they see a person or object that does not exist. Hallucinated voices often interact with a patient by commenting on their behavior, वो उनसे बातें भी कर रहे होते हैं, by ordering them to do things, by warning or impending dangers, by talking to other voices about the patient. आपको वो चीज़ें सुनाई नहीं दे रही होती, लेकिन schizophrenics जो हैं वो उनसे बात भी कर रहे हैं, उन्हें response भी कर रहे होते हैं, तो वो hallucination है. मैथड्स इंस्टीट्यूशनल केयर बहुत ज़रूरी है. रिहैब सेंटर्स में उनको भेजा जाता है, वहाँ पे उन्हें प्रॉपर ट्रीट किया जाता है. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं जिससे उनको ब्रेन माइंड जो है वो ट्रैंक्विलिटी मिलती है उनको. साइकोथेरेपीज की जाती हैं और कम्युनिटी अप्रोच की जाती है. फैमिली थेरेपीज भी में साथ साथ दी जाती हैं. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, लेकिन कुछ इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसमें ड्राउजीनेस है, वेट गेन है, जिटर्स, मूवमेंट प्रॉब्लम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है. जाहिर है जब आप एक मेडिकेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे रहे हो तो फिर उसमें साइड इफेक्ट्स भी नजर आएंगे. लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज कंडीशन कॉल्ड टर्डाइडिसकाइनेसिया, वेयर पेशेंट विल डेवलप अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हो जाती हैं. बार बार हाथों को मूव करना, फिंगर्स को मूव करना, तो ये अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हो जाती है. ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं रहती मूवमेंट्स में. सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, फैमिली ओरिएंटेड थेरेपीज हैं, ग्रुप थेरेपी है, CBT है और पर्सनल थेरेपी, साइको सोशल थेरेपीज. बैरियर्स हैं जी, लैक ऑफ एजुकेशन, लोग मानते नहीं हैं इसको और दम दरूद और तावीज की तरफ चले जाते हैं और इससे मजीद वर्स्ट कंडीशन होती जाती है एक पर्सन की. लैक ऑफ एक्सेस टू इफेक्टिव हेल्थ केयर, लैक ऑफ फंडिंग फॉर स्किज़ोफ्रेनिया एंड रिलेटेड डिजीजेस, होपलेसनेस एंड शेम. शेम भी बहुत ज्यादा जो है ना हमारी सोसाइटी में, लोग शेमफुल फील करते हैं कि हम अपने किसी फैमिली मेंबर को किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं. ट्रीटमेंट के बाद लोग नॉर्मल और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं. कुछ फेमस पर्सन हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ रहते थे और बहुत अच्छी क्रिएटिव लाइफ इन्होंने गुजारी है. जॉन नैश मैथमेटिशियंस हैं और नोबेल प्राइज विन किया था इन्होंने. गिटारिस्ट फॉर पिंक फ्लॉयड, अब्राहम लिंकन की वाइफ हैं, इन्हें भी स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम रहा. हमारी सोसाइटी में किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, हाउ वी ट्रीट दीज पेशेंट्स. ये विहाड़ी की एक पिक्चर है. दरबार दीवान साहब में ज़हनी मरीज जंजीरों से जकड़े हुए हैं. ज़हनी मरीजों को यानी कि स्किज़ोफ्रेनिक्स को यहाँ पे जंजीरों से जकड़ दिया जाता है. एक दरबार पे उसको ले गए हैं और वहाँ पे उसको बांध दिया है. हालांकि इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और इस तरह से हम इनको वेस्ट कर देते हैं और पूरे इनह्यूमन मैनर में हम इनको ट्रीट करते हैं. ये हमारे कंट्री में ऐसा होता है, जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं. अक्सर एजुकेटेड पीपल भी ये काम कर रहे होते हैं. एक ब्यूटीफुल माइंड द मूवी है, जरूर देखिएगा आप. ब्यूटीफुल माइंड आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक जॉन नैश, जो मैथमेटिशियन है, नोबेल प्राइज विन किया था इन्होंने. द मूवी ड्र्यू द ऑडियंस इनटू नैश डिल्यूजंस विद द इमेजिन पीपल एंड कॉन्स्पिरेसी सीमिंग टू बी कम्प्लीटली रियल. इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिक जो है वो उनके डिल्यूजंस और हेलुसिनेशंस उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है. साइकेट्रिक हॉस्पिटल है और वो अपना घर जो है वो सेल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया ना हो जाए. कोई एपिडेमिक डिजीज नहीं है जो कि देखने से, हाथ लगाने से, छूने से ट्रांसफर हुआ, ऐसा नहीं होता. इफ यू टॉक टू गॉड यू आर प्रेइंग, इफ गॉड टॉक्स टू यू, यू हैव स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक हो गया, कंक्लूजन था आज का.